हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल ब्लॉग्स और मैं डॉक्टर अभिषेक आज फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसका शीर्षक होगा कि हम व्हाइट पैच कैसे हटाएं, क्या व्हाइट पैच रियली हटाना जरूरी है, किस किस के टाइप का व्हाइट पैच हम इजिली खुद से हटा सकते हैं और हम बेवजह ट्राई करते हैं कुछ और व्हाइट पैचेस हटाने की जो एक्चुअली में नहीं हट सकते खुद के द्वारा। तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इंग्लिश में थी, तो काफी रिक्वेस्ट आई कि हिंदी में बनाइए एक पर्टिकुलर वीडियो। उसका टाइटल है हाउ टू रिमूव व्हाइट पैच फ्रॉम द माउथ। तो देखिए, पहले व्हाइट पैच का कारण जान लेते हैं। दो मेन कारण होता है, तो एक तो होता है केराटोटिक। केराटोटिक मतलब जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है, जैसे हमारी ये स्किन है हाथ के ऊपर, तो उसमें स्ट्रेटियम कॉर्नियम जो होता है, जो ऊपर मोस्ट लेयर होती है, उसकी बहुत सारी लेयर्स बन जाती है, मल्टीपल लेयर्स, तो उसको बोलते हैं केराटोटिक व्हाइट लीजन्स। और दूसरी हो गई नॉन केराटोटिक व्हाइट लीजन्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएंगे। नॉन केराटोटिक जो हमारे होते हैं व्हाइट लीजन्स, वो डिफरेंट कारण की वजह से होते हैं। तो पहले आते हैं नॉन केराटोटिक व्हाइट लीजन्स। नॉन केराटोटिक मतलब कि किसी रेड, जैसे आप आंख कर रहे हैं, अपना माउथ ओपन कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि सपोज आपने कोई व्हाइट पैच दिया लग रहा है आपको, तो आप पिछले वाले दिन आपने कुछ ऐसी चीज खाई होगी जो गर्म चीज होती होगी, वो आपके गालों में या जीभ में कहीं पे लग गया होगा, तो उसकी वजह से बर्न हो जाता है। थर्मल बर्न की वजह से हमें व्हाइट पैच हो सकता है। अब हम सुबह डर जाते हैं कहीं कैंसर तो नहीं, और सपोज आपने पिज्जा खाया या फिर कोई गर्म चाय पी ली, तो उसकी वजह से व्हाइट पैच हो गया। तो लेकिन आपको डर लगा कि मैं स्मोकिंग कर रहा था उसकी वजह से व्हाइट पैच, तो आप डर जाते हैं कि कैंसर है, लेकिन वैसे बिल्कुल कुछ नहीं है। हालांकि व्हाइट पैचेस का जो मेन कारण होता है वो दूसरे होते हैं जो कि नॉन केराटोटिक वाले होते हैं, लेकिन पहला मेन कॉज है फिजिकल इंजरी, जैसे कि हो गई आपकी गर्म चीज खाने से, या फिर आपके दांत में दर्द हो रहा है और आपने क्लोव ऑयल लगा लिया वहां पे, जो हमारा जो लौंग का तेल होता है वो लगा लिया, उसकी वजह से भी हमारी स्किन जल सकती है, तो हमारे वहां पे व्हाइट पैच जैसा नजर आता है, उसको बोलते हैं केमिकल बर्न। तो ये सब अगर व्हाइट पैच अगर हो रहा है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। इन व्हाइट पैचेस अपने आप कोई जेल लगाएंगे या फिर कोई सूदिंग एजेंट लगाएंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तीसरा टाइप ऑफ जो व्हाइट पैच होता है नॉन केराटोटिक, वो है कैंडिडियासिस, जो हमारे बॉडी में रहता है, सबकी बॉडी में रहता है, कैंडिडा एल्बिगन्स। तो कभी कभी कुनकुन किच किच जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एचआईवी होता है या फिर हेपेटाइटिस या फिर उनकी जो बॉडी इम्यूनिटी कम होती है या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनके माउथ में अंदर कैंडिडियासिस हो जाता है जो कि एक व्हाइट लेयर बैठा देता है, तो उसको हम स्क्रेप ऑफ कर सकते हैं, किसी भी गौस कपड़े को लेकर हम उसको हटा सकते हैं। तो उसका इलाज यह है कि आप कैंडिड माउथ पेंट यूज करें। अब आते हैं केराटोटिक व्हाइट लीजन्स पे। केराटोटिक व्हाइट लीजन्स मतलब कि जो ऊपर की लेयर होती है मोटी हो जाती है। तो सबसे पहला मेन जो कॉज है व्हाइट पैच का वो है ओएसएमएफ। अब ओएसएमएफ में क्या होता है कि एंटायर माउथ में ब्लांचिंग हो जाती है, कभी कभी थ्रोट तक भी ब्लांचिंग चली जाती है, टॉन्सिल्स का भी ब्लांच, और हम दिन भर ये सोचते रहते हैं कि व्हाइट कैसे जाएगा। तो अगर जिन जिनको व्हाइट पैच है प्लीज पेशेंस रखे, वो इतना जल्दी नहीं जाता है, उसको 5 to 6 ईयर्स टाइम लगता है, कभी कभी होता भी नहीं है, परमानेंट रह जाता व्हाइट पैच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट पैच जो होता है वो सिर्फ स्ट्रेटियम कॉर्नियम का थिकनिंग होता है, क्योंकि वहां पे आप बार बार पान पराग गुटखा ये सब खाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सुपरफिशियल लेयर्स बैठा देती है। आप उसको जितना भी घिसे या फिर जितना भी उसको स्क्रेप करें वो नहीं जाता है। इसका एक ही एकमात्र इलाज है सर्जिकल, जो कि आप लेजर से कर सकते हैं या फिर कॉटरी इलेक्ट्रोकॉटरी से कर सकते हैं या फिर बीपी ब्लेड के द्वारा भी कोई सर्जन कर सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर वो व्हाइट पैच रहता है, अगर वो सेम साइज है उसका, अगर वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर कोई व्हाइट पैच अपना साइज इंक्रीज करे तब वो अलार्मिंग होता है, उन केसेस में बायोप्सी की जरूरत होती है। अब दूसरा कॉज हो गया लाइक ल्यूकोप्लेकिया। अब ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है कि वो भी ओएसएमएफ के अंदर ल्यूकोप्लेकिया का कोई पर्टिकुलर पैच रह सकता है। सपोज मैं गुटखा खाता हूं, मैं गुटखा खा के मुंह में राइट साइड में, जैसे मैं ड्राइवर हूं और मैं राइट साइड में जाकर ज्यादा रखता हूं अपने गुटखे को, तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ओएसएमएफ तो फुल माउथ में होता ही है, क्योंकि जो गुटखे का सलाइवा है वो चारों तरफ लगता है, लेकिन जो गुटखा का जो पार्टिकल्स है वो हमारे एक साइड में रहता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में भी ज्यादा केराटिन डिपोजिट होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है। अब वो ल्यूकोप्लेकिया जो होता है, ल्यूकोप्लेकिया का जो आप अपने फिंगर से टच करके देखेंगे थोड़ा सा रफ लगता है और रेज्ड एलिवेटेड रहता है, तब ल्यूकोप्लेकिया अगर ज्यादा बड़ा हो जाए वो एरिथ्रोप्लेकिया और कैंसर में भी बदल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं, आप जब भी थोड़ा व्हाइट स्पॉट हो उसको हटाने की कोशिश करें, अगर वो नहीं हट रहा है तो इसका मतलब आप जरूर डेंटिस्ट के पास जाके इमीडिएटली उस व्हाइट पैच को हटवाएं या फिर डायग्नोसिस करवाएं या फिर उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट आता है। तीसरा हो गया ल्यूकोप्लेकिया के बाद
स्मोकर्स पैलेट। स्मोकर्स पैलेट में क्या होता है कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके तालू में एक व्हाइटिश लेयर बन जाती है, उसको स्मोकर्स पैलेट बोलते हैं। उसका डिफरेंट स्टेजेस होते हैं 1, 2, 3। अब हालांकि ये सारे लीजन जो होते हैं ड्यू टू सम और अदर फॉर्म ऑफ टोबैको, तो अगर आप टोबैको छोड़ देंगे तो फिर ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। तो इस चीज का इलाज एक ही है कि जितने भी टोबैको, सादा पुड़िया और पान पराग, ये सब सारी चीजें छोड़ दें। अपने आप जो आपका लीजन्स है, पहले पहले थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आपको होता है, पहले में थोड़ी दिक्कत आती है 6 महीने, उसके बाद सब अपने आप नॉर्मल हो जाता है। सलाइवेशन भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि आपके मुंह में लार बनना भी बंद हो जाती है। अच्छा, अब आ गया पांचवा कॉज जो होता है लाइकेन प्लानस। ये टोटली एक एनिग्मेटस डिजीज है। एनिग्मेटस मतलब कि इसका कोई रीजन नहीं है, कैसे भी हो सकता है। फीमेल को ज्यादा होता है ये, बर्निंग सेंसेशन होता है। बर्निंग सेंसेशन में क्या होता है कि उसमें व्हाइटेस्ट पैच दिखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, गलती मैं देखता हूं कि खुद से वो बहुत ज्यादा रगड़ने लगते हैं और रगड़ रगड़ के छिल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लीजन्स और फैल सकता है। तो इसलिए हमको खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। घरेलू उपचार ये सब कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप टोटल कुरक्यूमिन पेस्ट या फिर हल्दी पेस्ट या फिर आप लाइकोपिन जो टमाटर में होता है वो सब खा के उसको आप थोड़ा बहुत सब्साइड या फिर बर्निंग सेंसेशन कम कर सकते हैं। लेकिन व्हाइट पैच हटाने की जो दवाई होती है वो आप खुद के रिकमेंड या खुद बाजार में जाके आप मेडिसिन स्टोर से खरीद के लगा रहे हो, वो काफी डेंजरस होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक पेशेंट था लाइकेन प्लानस का। तो लाइकेन प्लानस पेशेंट क्या था कि उसका ठीक नहीं हो रहा था, थोड़ा सीवियर हो गया था। तो पहले उसने केनाकॉड यूज किया खुद से ही, और उसके बाद उसने दूसरी जेल्स वगैरह लगाना चालू की। जब उसमें रिलीफ नहीं मिला तो उसने कहीं से पढ़ा कि एक आता है टैक्रोलिमस, अगर आपने बहुत लोगों को पता होगा उस ड्रग का नाम है टैक्रोस फोर्टे ऑइंटमेंट। तो उसने खुद से लगाना चालू कर दिया, उसको यहां पे लाइकेन प्लानस था लिप के अंदर वाली साइड में। तो वो दवाई लगाने की वजह से उसका जो लाइकेन प्लानस है कैंसर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो जो दवाई है उसको बोलते हैं FK506 एंड इट इटसेल्फ इज अ कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि अगर आप उसको ओवर यूज करेंगे तो उसका एक यूएसए ने वार्निंग दिया है, यूएसए जो मेडिकल ड्रग एसोसिएशन है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, आप गूगल भी देख सकते हैं कि FK506 इफ यूज ओवर, लाइक ओवर यूज अगर होता है तो खुद कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने अपने लाइफ में देखा है कि मेडिसिन लगा के, जैसे टैक्रोलिमस लगा के पेशेंट को कैंसर हुआ है और उसका डेली में ट्रीटमेंट हुआ। मेरे पास अभी फोटो है नहीं तो मैं अपलोड कर देता। तो खुद से कुछ भी ट्रीटमेंट ना करें व्हाइट पैच रिमूव के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेज आते हैं, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट हो गया, कॉटरी हो गया, सर्जिकल हो गया, मेडिसिन भी यूज होता है। और आई वोंट रिकमेंड कि आप कहीं भी जाके खुद से इलाज करें। आप जाके दिखाएं कि वो लाइकेन प्लानस है या लिकोप्लेकिया है या OSMF है या टोबैको पाउच केराटोसिस है, स्मोकर्स पैलेट है, पहले इसका डायग्नोसिस करवाएं, वो बहुत जरूरी है किसी भी डेंटल कॉलेज में। और ये भी देख लें कि आपका जो लीजन है वो किसी फिजिकल इंजरी की वजह से तो नहीं है। अगर छोटा सा अल्सर है या फिर छोटी सी कोई चीज बात है तो उसका उसमें आप डरने की कोई बात नहीं है। तो आज का वीडियो यही एंड करेंगे। अगर लीजन बहुत दिनों तक है और बढ़ रहा है साइज, तब वो अलार्मिंग है। तो आज का वीडियो यही एंड करेंगे। तो लव यू ऑल गाइज, एंड अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं यू कैन गिव अ सुपर थैंक्स, एंड जो कि आपके जस्ट शेयर वाले बटन के साइड में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं sky_dental। टेक केयर, लव यू ऑल।